हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, दिस इज डॉक्टर बकुल देव और आप देख रहे हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट। नीट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल को आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो पर हम सब लोग यानी कि टीम प्लेसेबो डेली आपके लिए 10-12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं। आपका पूरा सिलेबस हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज कंटेंट के साथ। यहां से जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप ये मानकर चलें दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपको और किसी भी एडिशनल कंटेंट की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी। आपके नीट में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी आपसे पूछा जाने वाला है, वो इसी कंटेंट में से पूछा जाएगा जो यहां से आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, टीम प्लेसेबो के साथ जुड़े रहिए। और टीम प्लेसेबो के साथ जुड़े रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, वो ये है कि जल्दी से आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इस टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद URL में ये लिंक टाइप करें, दैट इज़ t.me/neetplacebo, और फिर उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इस ग्रुप का हिस्सा हैं और यहाँ हम जितने भी सेशंस होते हैं उन सभी सेशन के लिंक्स आपसे शेयर करते हैं। प्लस कोर्सेज जो हैं उनके लिंक्स यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं PDF फॉर्मेट में, और यहाँ पर कुछ पोल भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिससे आपका वैल्यूएबल फीडबैक हम लोगों तक पहुँचता रहे, हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकें, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसका भी हिस्सा बन जाइए जल्दी से। और बच्चों, अनअकैडमी प्लस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी प्लस बहुत ही रीजनेबल सब्सक्रिप्शन फी में आपको इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है कि आपको फिर किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी। ना एडिशनल टेस्ट सीरीज आपको कहीं ज्वाइन करनी है, ना आपको कहीं से स्टडी मटेरियल मंगवाना है, ना आपको कहीं पढ़ने के लिए जाना है ट्रेवलिंग करके, या अपना नेटिव प्लेस छोड़कर बाहर आपको रूम लेकर रहना है, किसी PG में रहना है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए। आप बिल्कुल अपने घर पर कंफर्टेबली नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं और उन सभी एजुकेटर्स के साथ जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं। ऑल ओवर इंडिया से 45 टॉप एजुकेटर इस वक्त अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगहों से, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके पास 10 से ज़्यादा एजुकेटर्स का चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, जबकि मैं कहूँ किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक प्रिसाइजली आप किससे पढ़ना चाहते हैं, ये चॉइस आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्विजेज और टेस्ट अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जिनका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए क्वेश्चंस हैं। मुझे यूँ कहना चाहिए कि एग्ज़ाम के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स इन क्वेश्चंस को आपके लिए फ्रेम करते हैं और फिर टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं। 11th, 12th, ड्रॉपर सबके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सबके लिए अलग अलग हैं। लाइव क्लासेस यहाँ चलती ही हैं जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में होती हैं, बिल्कुल फोकस्ड मैनर में क्लासेस में स्टडी होती है, और कोई भी टॉपिक जब आपको एक्सप्लेन किया जाता है उसी वक्त उससे रिलेटेड डाउट्स आप अपने डाउट्स रेज करते हैं और उन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है, कुछ और प्रॉब्लम्स बच जाती हैं किसी भी तरह की, तो बच्चों उसके लिए हम हर चौथा क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन के लिए रखते हैं जिसमें केवल और केवल आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। एवरी फोर्थ क्लास इज डेडिकेटेड फॉर डाउट रिमूवल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है, किस वक्त आपको पढ़ना है, किस एजुकेटर से पढ़ना है, सब आप अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज पर्सनलाइज्ड। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया 45 टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर टेकिंग कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू
ऑन प्लस प्लेटफॉर्म प्रिसाइजली फॉर नीट। यहां 42 टेस्ट का टेस्ट सीरीज 11th क्लास के लिए है, इसी तरीके से 12th के लिए है, इसी तरीके से ड्रॉपर के लिए है, मॉक टेस्ट है, सिलेबस आपका पूरा हो ही रहा है। और देखिए अलग अलग तरीके के कोर्सेज यहाँ लॉन्च होते रहते हैं, कुछ बैच कोर्सेज होते हैं जिसमें कि पूरी टीम है और वो टीम आपके लिए पूरा कोर्स कर रही है, कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज हैं जो टॉपिक वाइज कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जैसे यहाँ जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, SPDF का कोर्स अलग से चल रहा है, एनिमल किंगडम का अलग से चल रहा है, लाइक वाइज अलग अलग तरीके के कोर्सेज यहाँ पर चलते रहते हैं। करना आपको बस ये है बच्चों, इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके प्लस के लिंक को प्रेस कीजिए, सब्सक्रिप्शन पर जाइए, और अगर आप 12th में हैं या ड्रॉप कर रहे हैं तो सीधे एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट कर लें, जिसका फी है बच्चों जस्ट 30,000, विच मीन्स 2,500 रुपीज पर मंथ। बहुत ही रीजनेबल सब्सक्रिप्शन फी है। और अगर आपने ये कोड इस्तेमाल किया दैट इज़ BD लाइव, तो बच्चों ये फी आ जाएगा आपका 27,000 पर, यानी 10% आपको इंस्टेंट ऑफ मिलने वाला है। अगर आप अभी 11th में हैं तो आपको सीधे 2 साल का प्लान ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये और भी सस्ता है। इसका सब्सक्रिप्शन फी है 48,000, विच ट्रांसलेट्स इनटू 2,000 रुपीज पर मंथ, जो बहुत ही कम है। और अगर आपने ये रेफरल कोड इस्तेमाल किया BD लाइव, तो इसमें फिर आपको 10% स्कॉलरशिप मिलने वाला है, और ये आ जाएगा आपका 43,200 पर। तो बच्चों 2,000 रुपये से भी कम पर मंथ आपको पे करना है, उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, 45 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स, इन सभी एजुकेटर्स के सेशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं लाइव क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस मिस होती हैं तो इन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए आप एलिजिबल हैं, सेशन कंप्लीट होते ही आप सबके नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, आप इन सभी के डाउट सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी भी क्विजेज प्लस पर चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उन टेस्ट सीरीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से आ जाइए प्लस के प्लेटफॉर्म पर, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। अब आपका क्विज स्टार्ट करते हैं, मैं जरा देख लूं कौन कौन बच्चे आ गए हैं। अमूल शर्मा, ऋतिक, हंसिका, लक्कोजू, दीपक, अनुराधा, शांतनु, मैं ठीक हूँ बेटा, हीरा नाज, रेशमा, तेजू साहू, तनिष्का, आफरीन सैयद, DK श्रीवास्तव, सुमन सागर, रंजन दास, काजल ओझा, अमान मलिक, आफरीन सैयद, निहारिका, देवांशु, तनिष्का, सत्यवीर, अनुराधा, मोनू, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे। आप इस पोस्ट को जल्दी से शेयर कर दें, जिससे बाकी सब लोग भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएं, इस क्विज में हिस्सा ले पाएं। चलो क्विज स्टार्ट करते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस सिस्टेमिक ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स इज रेस्पेक्टिवली, यानी जो ब्लड लंग्स में जा रहा है उसमें PCO2 क्या है, और जो ब्लड बाहर निकल के आ रहा है उसमें PCO2 क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए चलिए जल्दी से, ध्यान से देखिए, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा और रिप्लाई कीजिए। अभी मेरे पास केवल 1-2 रिप्लाई आए हैं। ये आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में इधर से ये ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजिनेटेड, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होकर के बाहर जाएगा। तो आपको बताना यह है बच्चों कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही पूछा है ना, यहां कितना है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां कितना है, ये दो चीजें आपको बतानी है। चलिए बताइए, काफी सारे बच्चों का रिप्लाई है 3, कुछ बच्चों का रिप्लाई 1 भी है, कुछ बच्चों का रिप्लाई 2 भी है। देखो बच्चों ध्यान से, यहां आपका PCO2 कितना होता है 40, और जो आ रहा है ब्लड उसका PCO2 कितना होता है, या तो हम कहें 45 या 46, क्वेश्चन में 46 लिखा है तो हम 46 कंसीडर करते हैं। यहां चूंकि 46 है इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के एल्वियोलाई में जाएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल के यहां आएगा, फिर ये जो ब्लड आगे गया इसमें PCO2 हो गया आपका 40। तो आपसे जो चीज पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन वीनस सिस्टम, वीनस सिस्टम में कितना है भाई 46 एंटरिंग द लंग्स एंड द ब्लड लीविंग द हार्ट। तो हार्ट से जो ब्लड बाहर जाएगा वो यही वाला ब्लड बाहर जाएगा जो लंग्स से बाहर आ रहा है, सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डियर स्टूडेंट्स 46 एंड 40, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी, ब्लड, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कर सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इन विच फॉर्म, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, HbNH, CO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो गया, ये मान लीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, गुड, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, हमने इतने अच्छे से पढ़ा है इसको, हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया है। बताइए, चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिटेल में पढ़ा है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आपसे अगर पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, देखो ये आपका ब्लड कैपिलरी है, हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ये ब्लड कैपिलरी में ये RBC है और ये इस तरफ आपका टिश्यू है, और इस टिश्यू में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो प्लाज्मा में आता है, और 7% हिस्सा इसका यहीं पर वाटर से मिलकर के बनाता है H2CO3, जो बाद में डिसोसिएट हो जाता है और ये फिर सोडियम से कंबाइन हो जाता है, तो बन जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी प्लाज्मा में जो ट्रेवलिंग होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है प्लाज्मा में, दिस इज प्लाज्मा, ये तो RBC है, ये प्लाज्मा है, और 70% एंटर करता है RBC में, तो अल्टीमेटली इससे बनता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये डिटेल में हमने पढ़ा है। तो आपसे अगर प्लाज्मा में पूछा जाता है द आंसर वुड बी सोडियम बाइकार्बोनेट, आपसे अगर RBC में पूछा जाता है द आंसर वुड बी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आपसे प्लाज्मा में पूछा गया है तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्या बात हो गई बेटा निखिल, चलो जी ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या जा रहा है पहले ये जानने की कोशिश करना, सीधे जंप मत करना। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, बताओ भाई, रिप्लाई। चार ऑप्शन है आपके पास, 1100, 3000, 1600, 500।
बेटा ये एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पूछे हैं सब एनसीईआरटी में से ही हैं, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी तक जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उनकी बात चल रही है। मुझे पता था आप लोग गड़बड़ करेंगे कुछ ना कुछ, मैंने कहा था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, बाहर निकाल सके, बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल किया जा चुका है, इनहेल्ड। अब टाइडल वॉल्यूम जब आपने इनहेल कर लिया है तो बाहर क्या निकाल सकते हो? एक तो टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो, प्लस और क्या निकाल सकते हो फोर्सफुली? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दो चीजें बाहर निकाल सकते हो, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम होता है आपका 500 ml, एक्सपायरेटरी 1100 के आसपास होता है। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 1600 ml। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बोलो निहारिका क्या दिक्कत हो गई, क्या डाउट है बेटा, क्या नहीं समझ में आया आपको बताओ जरा। थ्री भी आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एज ब्लड पासिस थ्रू द सिस्टेमिक कैपिलरीज। ब्लड जब सिस्टेमिक कैपिलरीज से होके गुजरेगा तो इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा? इट्स हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, इट्स प्रोटीन कॉन्टेंट इंक्रीजेस, इट्स पीएच डिक्रीजेस, इट्स हेमेटोक्रिट इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। हाँ, काफी बच्चों ने थ्री रिप्लाई किया था बेटा। इसके लिए मुझे कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। देखिए, हैव अ लुक, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है, ये आपका हार्ट है, और हार्ट से यहां से मान लो आपका सिस्टमिक एओर्टा निकल रहा है। ये क्या है? फिर सिस्टमिक एओर्टा से ब्रांचेस निकलती जाएंगी, कोई ब्रांच इधर गया, कोई ब्रांच इधर गया। अल्टीमेटली होगा क्या, मैं आगे जाकर के ये बना देते हैं, चलिए कैपिलरी नेटवर्क बन गया। ठीक है जी, इन कैपिलरीज को क्या कहते हैं? सिस्टेमिक कैपिलरीज। यही कैपिलरीज आगे फ्यूज हो जाएंगी और क्या बना देंगी? वेन। लेकिन ये कैपिलरी नेटवर्क बना क्यों? ये इस वजह से बना क्योंकि यहां जो टिश्यू था उस टिश्यू को हमें क्या सप्लाई करना था भाई? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने थे। तो ध्यान से देखो जरा, ये जो ब्लड है यहां से फ्लूइड कंटेंट बाहर निकलेगा, फ्लूइड कंटेंट जो बाहर निकला उसको हमने क्या कहा? इंटरस्टीशियल फ्लूइड। तो बेसिकली इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहां से निकल के आ रहा है? कैपिलरीज से। इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, सारा एब्जॉर्ब नहीं होता। अब आप एक बात बताएं, ब्लड में से फ्लूइड निकल के बाहर आ गया सिस्टमिक कैपिलरीज में से, तो जब फ्लूइड निकल के बाहर आ गया तो यहां जो ब्लड पहुंचा इसके आगे वाले हिस्से में, उसमें रिलेटिवली फ्लूइड कम है, प्लाज्मा में से फ्लूइड निकल गया ना थोड़ा सा टिश्यू स्पेसेस में, तो जो ब्लड आगे पहुंचा उसमें रिलेटिवली फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है,
जब रिलेटिवली फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर इस जगह बता रहा हूं आपको, इस पॉइंट पर, यहां जो कंसंट्रेशन था प्लाज्मा प्रोटीन का इतने हिस्से तक, वो इस हिस्से में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हिस्से से फ्लूइड निकल के थोड़ा बाहर आ गया तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीजेस। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट का मतलब क्या है? आरबीसी, आरबीसी का वॉल्यूम। तो प्लाज्मा जब बाहर निकल गया तो रिलेटिव वॉल्यूम आरबीसी का भी बढ़ गया, है कि नहीं? और टिश्यू लेवल पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस एट द लेवल ऑफ टिश्यूज? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है यहां। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने से हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, यानी कि पीएच कम होगा। तो ये तीनों काम तो होंगे सिस्टमिक कैपिलरीज में। और पीएच अगर डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में, ठीक है ना? तो बच्चों अभी इसका एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिससे आपको उसके ऑप्शन बाद में समझ में आए। एज सून एज द ब्लड पासेस थ्रू सिस्टमिक कैपिलरीज, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीजेज, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटोक्रिट इंक्रीजेज, हाइड्रोजन इंक्रीजेज, पीएच डिक्रीजेज। ठीक है ना? अब जरा क्वेश्चन पर आओ, अब देखना जरा क्या पूछा है, अब आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिस्टमिक कैपिलरीज से पास आउट हो रहा है तो प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें पूछा है विच डज नॉट अकर। तो कंटेंट इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है साहब। पीएच डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। हेमेटोक्रिट इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी वन। आ गई बात समझ में? चलो, हाँ बोलो अनिल, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई किया था सही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच? ये इजी क्वेश्चन आ गया है आपके लिए और सभी बच्चे इसका रिप्लाई बिल्कुल सही देंगे ऐसा मुझे लगता है। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ऐसा मैं मान के चलता हूं। गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस, ब्लड प्लाज्मा, इनमें से पीएच सबसे ज्यादा किसका है? कमलदीप चहल कह रहे हैं 3, दीपिका कह रही हैं 2, देवांशु कह रहे हैं 1। अरे हाईएस्ट पीएच पूछा है, हाईएस्ट पीएच मतलब पीएच में इतना कंफ्यूज हो रहे हो तुम, ये एक आश्चर्य की बात है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है भाई? 1.5 to 2.5, यही होता है ना? अच्छा, सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है? 7.6 to 7.8 और समटाइम अप टू 8। ब्लड प्लाज्मा का पीएच क्या होता है? 7.4। अब जरा बताना इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? तुम बिल्कुल सिली मिस्टेक करते हो। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसी की है ना? तो आंसर क्या आएगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? पैनक्रियाटिक जूस, दैट इज द करेक्ट आंसर। वो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत रिप्लाई कर दिया है। मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है, मैं इसको जरा बता दूं कि क्या है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जस्ट अ मिनट,
पहला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज 100 mm ऑफ मर्करी. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज 159. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ऑफ एक्सपायर्ड इज 32. टोटल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. चलो जी, ये भी क्वेश्चन ईजी ही है बेटा. बताओ, जितने भी बच्चे अभी लाइव इसको देख रहे हैं जल्दी से इसको शेयर कर दें जिससे कि बाकी सब बच्चे भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएं. वन थ्री थ्री पर ज्यादा एम्फेसिस है आप लोगों का. जब हमने पार्शियल प्रेशर पढ़े थे गैसेस के तो हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि इनहेल्ड एयर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 159. ये आ गया आपका एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104. फिर जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 116. ठीक है जी. अच्छा, यहां लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज 100. ये गलत है स्टेटमेंट. जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर 40 होता है और जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें 32 होता है. एक्सहेल्ड एयर है ये. और ये पूरा मैंने एक डायग्राम बनाया था और चार्ट था पूरा, एक 6-7 लोकेशन थे. इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, एल्वियोलाई, वीनस ब्लड, आर्टेरियल ब्लड टिश्यू, सब जगह पे हमने पार्शियल प्रेशर डिस्कस किए थे. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें बच्चों पहला, क्योंकि ये 100 न होके कितना होता है 116. बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ज्यादातर बच्चों ने थर्ड रिप्लाई किया था, वो गलत है. चलें, ये लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस ओनली, फिजिकल प्रोसेस ओनली, मैकेनिकल प्रोसेस ओनली, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. शांतनु, पहले इसका रिप्लाई करो फिर उस पर चलता हूं. पहले इसको रिप्लाई करो. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको रिप्लाई कर दीजिए. फिर जिनको कंफ्यूजन है कि ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, वापस बताता हूं. देखो, डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह के प्रोसेस हैं. हमने मैकेनिकल डाइजेशन भी पढ़ा था और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी. अब शांतनु, आपकी परेशानी ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सहेल्ड एयर में PCO2 ज़्यादा होना चाहिए. किससे ज़्यादा होना चाहिए? एक्सहेल्ड एयर को कंपेयर किससे करोगे हमेशा? इनहेल्ड एयर से. यहाँ PCO2 कितना होता है? 0.3. तो इनहेल कर रहे थे तब 0.3 था, बाहर निकल रहा है एयर उसमें 32 है. कंपैरिजन होगा इनहेल्ड और एक्सहेल्ड का. बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनहेल्ड में ऑक्सीजन 159 था, एक्सहेल्ड में ऑक्सीजन 116, माने ऑक्सीजन बॉडी में आ गया. इनहेल्ड में CO2 0.3 था, एक्सहेल्ड में CO2 32, यानी कि CO2 बॉडी से बाहर निकल गया. कंपेरिजन आप ब्लड का, कंपैरिजन ब्लड में PCO2 का कंपैरिजन आप एक्सहेल्ड से थोड़ी करेंगे. कंपैरिजन हैज टू बी मेड बिटवीन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. चलिए, डेफिशिएंसी, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई.
ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, रिप्लाई फास्ट. डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू निक्टलोपिया? रेटिनोल, टोकोफेरोल, साइनोकोबेलेमिन, पेंटोथेनिक एसिड. बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, शाबाश. हाँ बिल्कुल ठीक है आफरीन, केवल मेस्टिकेशन नहीं, स्टमक के चर्निंग मूवमेंट, इंटेस्टाइन के सेगमेंटल मूवमेंट, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सब आते हैं इसमें, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. भाई ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं. अरे निक्टलोपिया किसको कहते हैं भाई, इसको भी गलत किए जा रहे हो. नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, क्योंकि रेटिनेल जो कि रोडोप्सिन का इंटीग्रल कंपोनेंट है. द करेक्ट आंसर इज रेटिनॉल. ज्यादातर बच्चों का सही है लेकिन कुछ ने गलत भी दिया है. चलो, क्लिनिकल टर्म फॉर कॉलेप्स ऑफ एल्वियोलाई, साइनोसिस, हाइपरकैपनिया, एटिलेक्टेसिस, बेंड्स डिजीज. इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. एल्वियोलाई कॉलेप्स कर जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉलेप्स ऑफ एल्वियोलाई इज नोन एज एटिलेक्टेसिस. हाइपरकैपनिया तो आप जानते ही हैं, इंक्रीज्ड CO2 इन टिश्यूज. बेंड्स डिजीज डाइवर्स पैरालिसिस है, वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन एटिलेक्टेसिस कॉमन है. जब लेसिथिन सिंथेसाइज होना कम हो जाता है तो अंदर सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, एल्वियोलाई कॉलेप्स कर जाते हैं और जो गैसियस एक्सचेंज एरिया है हमारे लंग्स का वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, एटिलेक्टेसिस. नाउ मैच द फॉलोइंग, शिस्टोसोमा, फेशियोला, ड्यूगेशिया, इकाइनोकॉकस. ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में और रिपीट हो गया है, और रिपीट होने के बाद भी कुछ बच्चे इसको फिर गलत कर देंगे. हाँ अमान बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन केस ऑफ हाइपरकैपनिया, पर सवाल यह है कहाँ, एनवायरमेंट में CO2 बढ़ गया कि ब्लड में बढ़ गया कि एल्वियोलाई में बढ़ गया कि टिश्यू में बढ़ गया, दैट इज अ क्वेश्चन. तो CO2 कहाँ बढ़ेगा? टिश्यूज में. टिश्यूज में CO2 का बढ़ जाना हाइपरकैपनिया कहलाता है. चलो जी जल्दी जल्दी, शाबाश. शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा डायोशियस है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इसमें. फेशियोला एग्जिबिट पॉलीएम्ब्रियोनी. डुगेशिया इज ऑल्सो नोन एज प्लेनेरिया एंड इकाइनोकॉकस इज नोन एज डॉग टेपवर्म. तो हम लिख दें यहाँ पे 4 के बाद में 2 के बाद में 1 और 1 के बाद में 3. 4, 2, 1, 3. तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट वन. देखो जरा किस किस ने सही दिया है. काफी सारे बच्चों का सही है.
चलो जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, चलूं आगे या कोई समस्या है? कीमो रिसेप्टर्स फॉर केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आर प्रेजेंट इन कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी, प्लूरल मेम्ब्रेन, बोथ, वन एंड टू? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अनुराधा, दीपक, वाहिद, महजबी, दीपक, गगन, हिना, निहारिका, आफरीन, काजल, निखिल कह रहे हैं सी, बाकी सब बच्चों का रिप्लाई है फोर। बेटा आपने सी किस बिहाफ पे किया भाई? प्लूरल मेम्ब्रेन में कौन से रिसेप्टर होते हैं ये बताओ। केमिकल रेगुलेशन के लिए जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी दोनों में होते हैं, तो आंसर आएगा इसका बोथ वन एंड टू। ये एओर्टिक बॉडी सिस्टमिक एओर्टा में होते हैं, सिस्टमिक एओर्टा की वॉल में होते हैं, और कैरोटिड बॉडी आपके कैरोटिड आर्टरी की वॉल में होते हैं, ठीक है ना। चलो ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकाइनोडर्म, इनमें से इकाइनोडर्म कौन सा नहीं है। जल्दी से बेटा, ब्लड में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर काम करता है, फॉस्फेट बफर काम करता है, लेकिन हमारे ब्लड का बेसिक बफर है बाइकार्बोनेट बफर। बताइए कुछ बच्चे इसको भी गलत दे रहे हैं आंसर। सी अर्चिन, ये तो जानते ही हैं आप, इकाइनस ऑल्सो नोन एज सी अर्चिन। सी स्टार, स्टार फिश वाले ग्रुप में आता है, ठीक है, एस्टेरियस कह दें या सी पेंटागन जिनको हम कह दें, एस्टेरियस, एस्ट्रोपेक्टन, सी कुकुम्बर, ये होलोथूरिया है, गॉर्गोनिया, ये जो है सी फैन, आंसर इसमें ये है, ये काइनोडर्मेटा से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सो बिल्कुल ठीक है, सी फैन गॉर्गोनिया, इट डज नॉट बिलोंग टू काइनोडर्मेटा, रेस्ट ऑल आर काइनोडर्मेट्स। ध्यान से पढ़ना भाई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, पजेस स्यूडोपोडिया। बताइए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, दे पजेस स्यूडोपोडिया। हाँ बिल्कुल, इसका जो अपीयरेंस होता है वो फैन के जैसा, वो सीलिंग फैन नहीं। टैक्सोनॉमी के जब आप लेक्चर्स देखेंगे उसमें लाइब्रेरी में जाके, वीडियो लाइब्रेरी में, तो सिलेंट्रेटा और ये इन वाला सेक्शन देखना, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, गॉर्गोनिया का इमेज लगाया हुआ है मैंने। हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों का कहना है थ्री, कुछ का कहना है वन। भैया किसी में लिखा हो या ना हो वो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम तो एग्जाम्पल लेते हैं ना यहां पे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में चलो एक एग्जाम्पल लिया हमने, युग्लिना फ्लैजिलेटेड है, कैसा है ये, फ्री लिविंग, बिल्कुल
एक और एग्जांपल लूं, ट्रिपैनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये कैसा है? पैरासाइट। तो सीधी सी बात है, फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासिटिक फॉर्म भी होंगे। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? हाँ, यही तो मैंने कहा बेटा, दोनों हो सकते हैं। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईदर फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक। ओके, सेक्सुअली अर्थवॉर्म्स आर सेपरेट सेक्स, हर्मेफ्रोडाइट बट नॉट सेल्फ फर्टिलाइजिंग, पार्थेनोजेनेटिक हर्मेफ्रोडाइट एंड सेल्फ फर्टिलाइजिंग। बताइए साहब, चलिए अर्थवर्म पर एक क्वेश्चन है। जो टैक्सोनॉमी में जो जनरल कैरेक्टर हम पढ़ते हैं एनेलिडा के, उसके बेस पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपने अर्थवर्म पूरा पढ़ भी नहीं रखा है तो कोई खास बात नहीं है। कुछ बच्चों का कहना है टू, कुछ बच्चों का कहना है फोर। हां बिल्कुल कर देंगे बेटा, चिंता मत करो। अब देखो भाई, ऐसा है, बात सुनो। अर्थवर्म जो हैं वो मोनोशियस होते हैं, माने हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ये तो बात ठीक है, माने कि टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, बट दे परफॉर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन नॉट सेल्फ। और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? दैट दे एग्जिबिट प्रोटो एंड्री, मतलब इनमें मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले डेवलप होते हैं, फीमेल बाद में डेवलप होते हैं। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वन अर्थवर्म बिहेव्स एज मेल एंड अनदर अर्थवर्म बिहेव्स एज फीमेल, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे बोथ पजेस बोथ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस ओवरी सब में प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक अर्थवर्म एक मेल की तरह बिहेव करेगा जो स्पर्म डोनेट करेगा, और दूसरा अर्थवर्म एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा जो स्पर्म रिसीव करेगा। तो हर्मेफ्रोडिटिक बट नॉट सेल्फ फर्टिलाइजिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होता। करेक्ट आंसर विल बी टू। ठीक है, चलो जी, तो क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए जिससे कि सिली मिस्टेक्स ना हो। बस नाउ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, क्रेनियम इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन कॉर्डेट्स, two pair of pentadactylous limbs present in all tetrapods, a dissection of vertebrate is always from dorsal side। पढ़ो अच्छे से और silly mistake मत करना इस बार, ये भी अच्छा important conceptual question है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे सही reply करते हैं। बिल्कुल रेशमा, आपने पहले रिप्लाई कर दिया था। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। अभी तक मेरे पास एक दो रिप्लाई ही आए हैं। अनमोल, वार्ष्णेय, काजल और आदित्य का कहना है टू, विष्णु का कहना है वन, शांतनु का कहना है फोर, वाहिद अख्तर और बाकी बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं टू। ज्यादातर बच्चों का एम्फेसिस टू पर है। अब देखो जरा, देखते हैं इनको सबको, है ना,
कोशिश करते हैं आंसर निकालने की। क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, तो ये गलत हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि क्रेनियम इज एब्सेंट इन यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, इनमें क्रेनियम नहीं होता, तो जो बात खत्म हो गई। मेटामेरिस्म इज फाउंड इन कॉर्डेट्स, ये सही बात है। टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट इन ऑल टेट्रापोड्स, रॉन्ग। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं सीधे सीधे, स्नेक, स्नेक में नहीं होते पेंटाडेक्टाइल लिम्स। डिसेक्शन ऑफ वर्टिब्रेट इज ऑलवेज फ्रॉम डॉर्सल साइड, रॉन्ग। डॉर्सल साइड पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है। कभी भी किसी कॉर्डेट का डिसेक्शन करना होगा वेंट्रल साइड से करेंगे, किसी नॉन कॉर्डेट का डिसेक्शन करना होगा डॉर्सल साइड से करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक ही चीज है जो करेक्ट है, दैट इज मेटामेरिज्म, दैट इज फाउंड इन ऑल द कॉर्डेट्स। ठीक है, चलो जी। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर एक्रेनिएट्स, देखो इसमें लिखा हुआ भी आ गया। एक्रेनिएट मतलब क्रेनियम नहीं होता। एंड ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट, नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। हाँ, बहुत से बच्चों का सही था अनामिका, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर करेक्ट, कुछ का गलत था। अभी देखते हैं इसको कौन कौन सही रिप्लाई करता है। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को क्या कह सकते हैं, और कंफ्यूजन चल रहा है 1 और 4 में बच्चों को। विधि, वाहिद, कमलदीप, चलो प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर एक्रेनिएट एंड रेफर। प्रोटोकॉर्डेट बिल्कुल सही है कहा जाता है। नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट ये भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। लोअर कॉर्डेट ये भी कह सकते हैं, तो भाई इसमें आंसर आएगा 4। ऑल आर करेक्ट। चलिए जी, which one is not a true snake, इनमें से कौन सा ट्रू स्नेक नहीं है ये बताना है आपको। हाँ जी, अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। कोरल स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, डबल हेडेड स्नेक, ग्लास स्नेक, सबके अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं इस पर, तो कोई कॉमन रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। देखो भाई ऐसा है, सबसे पहला है कोरल स्नेक। कोरल स्नेक का एक और नाम है माइक्रोरस। इसको कोरल स्नेक इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसके स्किन पर अलग अलग कलर के बैंड होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड, व्हाइट, ग्रीन, अलग अलग तरीके के। तो कोरल, जैसे कोरल होते हैं ना मल्टी कलर्ड अलग अलग कलर के, वैसे ही स्नेक की स्किन पर बैंड होते हैं। और ये पॉइजनस स्नेक है। ब्लाइंड स्नेक,
ब्रह्मिनी, ये भी ट्रू स्नेक है। डबल हेडेड स्नेक एरिक्स, ये नॉन पॉइजनस है, ये भी आपका नॉन पॉइजनस है। अब बात करते हैं ग्लास स्नेक की। आंसर इसमें ग्लास स्नेक ही है, ये स्नेक न होके होता है लिजार्ड, इसको लिम्बलेस लिजार्ड भी कहते हैं, और इसमें लिम्ब्स नहीं होते, इसी वजह से ये स्नेक के जैसा दिखाई देता है। तो इसमें आंसर तो है आपका 4। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लास स्नेक को ट्रू स्नेक से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ग्लास स्नेक जो है, स्नेक और लिजार्ड में एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये होता है बच्चों, लिजार्ड में आईलिड्स मूव करती हैं, स्नेक में आईलिड्स मूव नहीं करती, तो इसके आईलिड्स मूवेबल होंगे। दूसरा, इसमें टिम्पेनम होगा, कान का पर्दा, जो ट्रू स्नेक में नहीं मिलता। इन दो कैरेक्टर्स के बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लिजार्ड है या स्नेक। इसका नाम है ग्लास स्नेक लेकिन है ये लिजार्ड। सो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स एक्सेप्ट। मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं हम कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर मिलते हैं स्क्रोटल सैक में, बिल्कुल। कुछ एक्सेप्शन हैं, वो एक्सेप्शन कौन से हैं? एकेडना, एलिफेंट, व्हेल, ऑल। बताओ, चलो जल्दी से रिप्लाई करो। देवांशु का कहना है 4, निखिल कह रहे हैं 2, अनुराधा और गगन वाहिद ये कह रहे हैं 4, प्रिया कह रही है 1, शांतनु, काजल, दीपक, निहारिका ये सब कह रहे हैं 4। भाई देखो, ऐसा है, एकेडना तो प्रोटोथीरिया में आता है ना आपका, तो प्रोटोथीरियंस तो रेप्टाइल और मैमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, तो इनमें तो होता ही है। एलिफेंट और व्हेल भी एक्सेप्शन है, इनके अंदर भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, ऑल ऑफ द अबव। चलो, चरस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, चरस किससे ऑब्टेन होता है? बताओ, चलो जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। चरस, अरे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। भांग, गांजा, चरस, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? कैनबिनॉइड्स, क्योंकि ये कैनबिस से मिलते हैं। दो स्पीसीज होती है कैनबिस सेटाइवा एंड कैनबिस इंडिका। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इन द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। Which of the above statements are basis of genetic engineering? Genetic engineering में इनमें से कौन कौन से काम होते हैं यह बताना है आपको। Identification of DNA with desirable genes, introduction of identified DNA in the host, maintenance of introduced DNA in the host and transfer। चलो जी,
इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ शाबाश, करेक्ट, लगभग सब बच्चों के रिप्लाई ठीक है इस बार, ए बी एंड सी सारे आ गए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवेलेंट कैटायंस यूज्ड फॉर एंट्री ऑफ डीएनए इन द होस्ट सेल, डीएनए को होस्ट सेल में एंटर करवाना है तो किसको इस्तेमाल करेंगे? इजी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। देखो शांतनु, वक्त रहा तो करवा देंगे, अदरवाइज अभी 5 मिनट हैं हमारे पास, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन और इसमें हो पाते हैं। 1, 2, 4, 3 रिप्लाई आ चुके हैं, मतलब आप सब लोग एक चीज पर सहमत हैं कि भाई 3 इसका रिप्लाई नहीं है, बाकी सब हो सकते हैं। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी हमने। टू आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम एनी बैक्टीरियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड स्पेसिफिकली, बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करना है, कौन सा एंजाइम काम में लेंगे भाई, जल्दी से बताओ, टाइम मत लो बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सब बच्चे। शाबाश, जल्दी करो। टू आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम एनी बैक्टीरियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड स्पेसिफिकली, जल्दी जल्दी, शाबाश, ठीक है, काफी सारे बच्चों का रिप्लाई सही है। बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम काम में लेंगे, प्लांट सेल है तो सेलुलोज काम में लेंगे, फंगल सेल है तो काइटिनेज काम में लेंगे, दैट इज इन केस ऑफ प्लांट सेल, दैट इज इन केस ऑफ फंगल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर को कंट्रोल कौन सा जीन करता है? बताओ भाई, देखो क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी, ये दोनों जो हैं ये तो करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स, ये जो जीन है इनसे जो टॉक्सिन बनता है वो कॉटन बॉलवर्म्स को खत्म करता है, और क्राई 1 एबी इसमें आंसर आ जाएगा आपका, जो कॉर्न बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। Which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept of inheritance of acquired character? Lamarck की theory को कौन support नहीं करता? Lack of pigment in cave dwelling animals, melanization in peppered moth, absence of limbs in snakes, presence of webbed toe in aquatic bird. हाँ जी, आप West Bengal से हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बच्चों, रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास में, जल्दी जल्दी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, मेलनाइजेशन इन पेपर्ड मॉथ,
ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का एग्जांपल नहीं है. सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. ओके चलो, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आज हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ और भी थे क्वेश्चन, तो इनको करेंगे अब नेक्स्ट जो भी क्विज होगा. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं मंडे. टाइमिंग हमारे जो सुबह वाले सेशन है उसका चेंज हो गया, आप सबको पता होगा ही. 11 की जगह 12 बजे क्लास लगा करेगी, शार्प एट 12 एंड शार्प एट 3. 3 बजे वाला जो भी सेशन है हमारा, उसमें हम क्विज डेली कोई ना कोई, अब यूनिट वाइज चलेगा. अभी तो ये मेगा क्विज चल रहा था, मंडे से हम यूनिट वाइज स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना. जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आ गया, फिर ब्रीदिंग एक्सचेंज का आ गया, फिर बॉडी फ्लूइड का आ गया, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन का आ गया. डेली एक एक चैप्टर पिक करेंगे, तो सीक्वेंस में चलता रहेगा वो यूनिट वाइज, तो आपके लिए भी प्रिपरेशन करना थोड़ा सा आसान रहेगा. ठीक है, 3 बजे आप अपने दिमाग में फीड कर लें इसको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस किया करेंगे. आज के लिए इतना ही. नाउ हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको. आखिर में एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसे ज़रूर भर दीजिएगा, जिससे आपके वैल्यूएबल सजेशंस हम लोगों तक पहुँचें. और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से. वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू. दैट इज ऑल फॉर टुडे. Goodbye and good day.